तो गाइस Xiaomi ने काफ़ी सारे HyperOS के ऑफिशियल अपडेट्स रोल आउट करना स्टार्ट कर दिए हैं और ये मार्च 2024 का हाफ आ चुका है, यानी कि आज 16 मार्च हो चुकी है। और यहाँ पे कौन से फ़ोन्स अभी पेंडिंग हैं, उनको कब तक अपडेट मिलेगा मार्च के अंदर, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बेसिकली मार्च में कौन से फ़ोन को यहाँ पर HyperOS अपडेट मिलेगा उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। थोड़े नए अपडेट्स हैं वो भी मैं इस वीडियो में कवर करूंगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखना। इस चैनल को आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो HyperOS अपडेट नेम से, ये मैंने ही यहां पर क्रिएट किया है और इसका जो यहां पर यूजर नेम है वो आप टाइप कर सकते हो। वैसे डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मैं डाल दूंगा, इसमें HyperOS के ही स्पेशली सारे अपडेट्स मैं शेयर करता हूं। सबसे पहले आज का अपडेट है उसकी बात करेंगे, तो पोको X6 Pro के अंदर Xiaomi ने इंडिया के अंदर ये जो 1.0.7.0 बेस्ड अपडेट है वो रोल आउट कर दिया है और ये 20 MB का अपडेट हमें देखने को मिल जाता है। इस अपडेट में आपको यहां पर जो है थोड़ी सी बैटरी इंप्रूव्ड देखने को मिल जाएगी, यहां पर ऑप्टिमाइजेशन में आप देख सकते। उसके साथ मार्च 2024 का आपको लेटेस्ट एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच देखने को मिल जाएगा और इससे पहले जस्ट आई थिंक थोड़े दिन ही हुए हैं भाई, यहां पे 1.0.6.0 अपडेट भी Xiaomi ने रोल आउट किया था पोको X6 Pro के लिए, वो भी इंडिया के अंदर, और काफी फास्ट यहां पे नया अपडेट भी आ चुका है। और पिछले कुछ वीडियोस के अंदर मैंने आपको दिखाया था यहां पे Redmi Note 12 5G के अंदर जो पार्शियल रिलीज है वो हो चुका है HyperOS के फर्स्ट अपडेट का 3.8 GB के आसपास, तो ये भी इंफॉर्मेशन मैंने यहां पर शेयर कर रखी है और ये भी इंडिया का अपडेट हमें देखने को मिल जाता है। बाकी यहां पे Xiaomi ने कुछ जो फीचर्स हैं वो रिमूव कर दिए हैं, आपको पता होगा, तो इसके रिगार्डिंग भी वीडियो मैंने डाल रखी थी। उसके बाद Note 13 Pro सीरीज का जो फर्स्ट HyperOS अपडेट वगैरह थे वो, उसके रिगार्डिंग भी मैंने आपको जो है इस चैनल के ऊपर अपडेट कर रखा है, उनके वीडियोज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उनको डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। अब चलते हैं कि आपको यहां पर HyperOS के अपडेट्स मार्च में कौन से डिवाइस के अंदर देखने को मिलेंगे। तो ये एक रिलीज टाइमलाइन है इंडिया के लिए जिसमें आप देख सकते हो काफी सारे फोन्स के अंदर यहां पर आपको जो है ये चीज देखने को मिलती है कि इस गर्मियों के अंदर बेसिकली जून तक आपको यहां पर सारे के सारे अपडेट्स इन फोन्स में मिल जाएंगे। अब एक और यहां पे जो है फुल रोल आउट रोड मैप है इंडियन डिवाइसेस के लिए जो कि हमें मार्च में देखने को मिलेगा। तो मार्च में आपको बेसिकली मिलने वाला है Xiaomi 12 Pro, Redmi Note 12 5G जिसको मिलना स्टार्ट हो चुका है, उसके बाद Redmi Note 12 Pro 5G, Pro Plus 5G और Redmi Note 13 सीरीज के डिवाइसेस हैं। अब बेसिकली जो 12 सीरीज है ना और जो नोट 13 सीरीज है उनमें सारे के सारे जो फोन्स हैं उनमें रोल आउट स्टार्ट हो चुका है और इस मार्च के आपको एंड तक सारे के सारे फोन्स में जो अपडेट्स हैं वो देखने के लिए मिल जाएंगे और इसमें जो है Xiaomi 12 Pro भी हमें देखने के लिए मिलता है। तो HyperOS के जो अपडेट्स हैं वो इन डिवाइसेस के अंदर आपको जल्दी से देखने को मिल जाएंगे। और अगर आपको जानना है कि Mi 11X के अंदर या फिर Mi 11X Pro में कब तक अपडेट आएगा, तो जो वीडियो है ना वो चैनल पर लाइव हो चुकी है, उसको चेकआउट जरूर से कर लेना। और आप कौन सा Xiaomi फोन यूज कर रहे हो, HyperOS आपको मिला है या फिर नहीं, वो कमेंट करके बता सकते हैं।